महासती सीता चरित्र आधारित पुस्तक तमाच, लेखन वर्धमान तपोनिधि आचार्य देव श्रीमद विजय भुवन भानु सुरीश्वरजी महाराजा। आ विश्वासघातक पदार्थों माथी आत्माना हितार्थे उपयोग थई शके के नहीं? आंख विश्वासघातक छे तो आंख मां सारा मां सारूं प्रभु दर्शन खूब खूब थई शके ने? गुरुमुख दर्शन भाव थी साधु दर्शन थई शके ने? आंख थी शक्य एटलू वधु शास्त्र वांचन थई शके ने? क्या एनी गरज ज छे? आंखना सदुपयोग हालता ने चालता मळे एम होय छे, एम जीभना केटलाय सदुपयोग छे, परंतु एमाना केटला करो छो? लाओ, आ जीभनो पण भरोसो नथी कि क्यां सुधी काम करे। एनाथी जेटलू सारूं सारूं बोलाय, सारा प्रभुना स्तोत्रो शास्त्र गाथाओ अने महापुरुषोना गुणगण जेटला बोलाय एटला बोलतो रहूं, आवी धगश रहे। जेना भरोसे रह्या, जेना विश्वासे बैठा, ए आपणी धारणा बहार एकाए बगड़ी जाए या उड़ी जाए आपना विश्वास नो भंग करनारा छे। आ जो बराबर हये ठस्यू होय ने सदा नजर सामे तरवरतू होय तो आ आँख जीभज शू? एके एक अंगोपांग कान हाथ पग शरीर वगैरे थी अने पैसा पत्नी पुत्र माल सामान वगैरे थी शक्य एटलो जिन भक्ति साधु सेवा साधर्मिक भक्ति सत्कार ज्ञान भक्ति वगैरे में सदुपयोग करता रहेवानू सहजे बने। सवारे उठ्या त्यांथी आ विचार करो कि सीताजी जेवा महापुण्यवंता सती रत्न ने पोते जे पुण्य कर्मना विश्वासे रहेला ते कर्म दगो दे छे, तो आपना जेवा माटे कर्म क्यों वफादार होय के आपनी धारणा मुजब ज टक्यू रहे अने आपनी सेवा बजावतू रहे। मात्र आपणे ज शू? आखा जगत माटे कर्म अने दुनियावी पदार्थो विश्वास भंग करनारा छे, माटे ज एनी सारा सारी माय एनाथी शक्य सुकृतो साधनाओ करी लेवा जोईए। करी शके ना कोई तारा गुणो ना सरवाला, युगो सुधी जळहळ से भुवन भानु ना अजवाला।